नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी भारी बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही। शाह ने दावा किया है कि सत्ता की अगली पारी में मोदी सरकार देश हित में कई बड़े फैसले लेगी। इनमें यूसीसी, एक देश एक चुनाव महत्वपूर्ण है। शाह के मुताबिक बीजेपी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर सफल प्रयोग कर चुकी है और अब इसे पूरे देश में लागू करने का वक्त आ चुका है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने पूरे देश में एक साथ चुनाव पर भी फोकस किया है। शाह के मुताबिक अगली बार यानी 2029 में पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि बड़े बदलाव लाने से पहले सभी संबंधित पक्षों से विस्तृत चर्चा होगी और फिर ऐतिहासिक फैसलों को अंजाम दिया जाएगा। अमित शाह का ऐलान, चुनाव बाद बड़े बदलाव। समान नागरिक संहिता लागू होने का वक्त आ रहा। उत्तराखंड में प्रयोग, धर्म आधारित कानून पर रोक। वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में होगा अमल। गर्मी की भीषण मार, सर्दी में चुनाव अगली बार। मोदी 3.0 की बारी, बड़े फैसलों की तैयारी। सभी पक्षों से विस्तृत चर्चा, फिर होगा बड़ा फैसला। तीसरी बार सरकार, शाह ने बताया प्लान। लोकसभा चुनाव के परिणाम में बड़ी जीत मिलने के बाद बीजेपी देश में बड़े बदलाव करने की तैयारियों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि संविधान निर्माताओं का मानना था पंथ निरपेक्ष देश के अंदर धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, लिहाजा राष्ट्र के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होना बेहद जरूरी है। तो वहीं देश के खजाने पर बड़ा बोझ कम करते हुए तमाम पंचायतों, विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना देश हित में होगा। शाह का कहना है कि तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर ये दोनों काम भारतीय जनता पार्टी की वरीयता होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने पर सभी पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद अगले 5 वर्षों के भीतर पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी। शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार अपने अगले कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करें, क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने का समय आ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च भी कम होगा। निश्चित रूप से हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है यूसीसी हम लाएंगे। हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पर हमारे चुनाव का ये अहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेष के कानूनों को, पर्सनल लॉ को नहीं आने। चुनाव को सर्दियों या साल के किसी दूसरे समय में आयोजित कराने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है। शाह के मुताबिक अगर हम कोई एक चुनाव प्रीपोन यानी निर्धारित समय से पहले कराते हैं तो ये किया जा सकता है, ये किया भी जाना चाहिए। ये छात्रों की छुट्टी का समय भी होता है, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं भी पैदा होती हैं। हालांकि अब से पहले भी शाह एक साथ चुनाव के पक्ष में दलील देते रहे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई बड़े नेता वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ दलील देते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है।
सभी दलों के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है, और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए। सबसे चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, सबसे चर्चा कर ही ये हो सकता है, मगर प्रधानमंत्री जी के विचार रखते ही एक बहस तो छिड़ गई है। सब लोगों को लगता है कि हर साल चुनाव होना, हर महीने चुनाव होना, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं, इसका एक ही समय निश्चित कर लिया। मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से ऐसे अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हाली इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वहीं अभी समान नागरिकता संहिता के बारे में बात करते हुए शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता एक जिम्मेदारी है जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा स्वतंत्रता के बाद से हमारी संसद और हमारे देश की राज्य विधानसभाओं पर छोड़ी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि संविधान सभा ने हमारे लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए थे उसमें समान नागरिक संहिता शामिल है, और उस वक्त एम मुंशी, राजेंद्र बाबू, अम्बेडकर जैसे कानूनविदों ने कहा था कि एक पंथ निरपेक्ष देश के अंदर धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक प्रयोग किया क्योंकि वहां बीजेपी के पास बहुमत की सरकार। बता दें, चंद रोज पहले अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान उत्तराखंड में लागू किए गए यूसीसी कानून के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की जबरदस्त तारीफ की थी। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी? कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए, पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी। अमित शाह ने कहा है कि यूसीसी केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी विषय है। शाह के मुताबिक, मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता एक बड़ा सामाजिक, कानूनी और धार्मिक सुधार है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए कानून की सामाजिक और कानूनी जांच होनी चाहिए, धार्मिक नेताओं से भी सलाह ली जानी चाहिए। शाह ने इसमें आगे बात रखते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है कि इस पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए, और इस व्यापक बहस के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल कानून में कुछ परिवर्तन करना है या नहीं तय किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, जिससे न्यायपालिका का अभिप्राय भी सामने आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन दो अहम मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, लंबे अरसे से प्रधानमंत्री मोदी की सूची में ये दोनों एजेंडे बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। संसद से लेकर चुनावी सभाओं तक में मोदी ने यूसीसी और एक साथ चुनाव के पक्ष में मजबूत दलीलें दी। मोदी के मुताबिक पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव साथ होने में जो खर्चा है वो कम होगा और इससे देश के खजाने में बड़ी बचत होगी, मानव संसाधन शक्ति जाया होने से बचेगी, और यूसीसी के लागू होने पर एक देश में सभी धर्मों और जातियों के नागरिकों के ऊपर एक समान कानून लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद रोज पहले वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी की पुरजोर वकालत की थी। साथ में खुले मंच से ऐलान किया था कि बीजेपी फिर से सत्ता में आने पर देश हित में इन्हें लागू करेगी।
हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। एक देश एक चुनाव बीजेपी के एजेंडे में काफी वक्त से रहा है। 4 साल पहले संसद में पीएम मोदी ने इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। पीएम ने कहा था कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, लिहाजा चुनाव का खर्च कम होता है, इसके साथ वोटर्स को भी सहूलियत रहती। मोदी के मुताबिक ये दोनों राज्य उन आशंकाओं को खारिज करते हैं जिनके मुताबिक एक साथ चुनाव कराए जाने पर क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई है। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए, उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो, मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं व्यक्तिगत जब भी मिला हूं सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए, एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले फिर सब काम में लगे, ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी, क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो। पहले 18 और 21 दो मतदान के समय अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची, कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करें भाई एक ही मतदाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन को देश की जरूरत बताते आए। पीएम मोदी का कहना है कि पीठासीन अधिकारियों के तजुर्बे का फायदा उठाकर पंचायत विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं, इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है, और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना और एक साथ चुनाव कराना प्रधानमंत्री मोदी की वरीयता सूची में सबसे ऊपर। जाहिर है लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो नई सरकार के बनते ही इन दोनों ही मसलों पर तेजी से काम होगा। समान नागरिक संहिता का मुद्दा देश की आजादी से पहले से चर्चा में रहा है। अलग अलग धर्म जातियों के तर्क और सियासत की वजह से UCC कभी परवान ही नहीं चढ़ पाया। पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले का भी लंबा इतिहास है। देश पर बड़ा असर छोड़ने वाले इन दोनों अहम एजेंडों की बारीकियों से समझना बेहद जरूरी है। आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा रहे। पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म हो चुका है, अब बारी
यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल 6 फरवरी को पेश किया और अगले दिन ही ये पास होकर अब कानून बन चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले हर धर्म, जाति, लिंग के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक से कानून होंगे। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। आपको बता दें, भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया। इसीलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले सिविल कोड लागू हुआ और पिछले दिनों कानून बनाकर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। किसी भी देश के समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया जो उसके नागरिकों के सभी व्यक्तिगत मामलों को कवर करता है। हालांकि फ्रांस, अमेरिका, तुर्की जैसे कुछ देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो। भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां नागरिकों के हित में सिविल कोड या इसके जैसे कानून बने हुए हैं। भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात ये कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाज को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक, लेकिन अलग राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाए। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया समाज के रीति रिवाज और नियम अलग। ईसाइयों के लिए भी अलग धार्मिक कानून है। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कहीं शादी कर सकते हैं, कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाज को मान्यता और सुरक्षा देने की बात कही गई है। वहीं बीजेपी का दूसरा अहम एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन। बता दें, एक देश एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया। सभी पक्षों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श के 191 दिन के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई। पीएम मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का समर्थन करते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18,000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। साथ ही इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी सिफारिश की। इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोकसभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होगा। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो ऐसी नई विधानसभाओं का कार्यकाल अगर जल्दी भंग नहीं हो जाए तो लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल तक रहेगा। यह भी सिफारिश की गई कि भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करे। समिति ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए मतदाता सूची से संबंधित अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी है, जबकि नगर निकायों और पंचायत चुनावों की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोगों पर है। बीजेपी लंबे अरसे से यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर देती रही है। अब अमित शाह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई केंद्र सरकार वरीयता के साथ इन दोनों ही एजेंडों को पूरा करने पर फोकस करेगी। अगर यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन अमल में आ जाता है तो देश पर बड़ा असर पड़ेगा। पूरे देश में सभी धर्मों और जातियों के लिए समान कानून लागू होने से नागरिकों के बीच समानता आएगी। वहीं हर कुछ महीनों में होने वाला चुनावी शोर एक तय समय पर 5 साल बाद ही सुनाई देगा। नतीजन देश के खजाने पर पड़ने वाला बड़ा बोझ कम हो। हालांकि विपक्ष के कई दल अलग अलग दलील देकर इन दोनों ही एजेंडों का विरोध करते रहे हैं, पर देश कानून से चलता है और कानून संसद में बनता है। लिहाजा देश का मतदाता जिसे लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचंड बहुमत से विजेता बनाता है, वही पक्ष अंतिम फैसला लेने की हालत में होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।